हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे एएससी जिसके ट्रेड टेस्ट अभी चल रहे थे। जैसे ट्रेड टेस्ट ख़त्म होंगे उसके बाद आपका रिटर्न एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका रिटर्न एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आएगा। ये पिछले साल का है, कोर लेटर फॉर रिटर्न टेस्ट सिविलियन मोटर ड्राइवर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, कुछ ऐसे आएगा ईमेल है आपका, सॉरी एडमिट कार्ड। टाइमिंग क्या होता है इनका, 10 से 12, सुबह 7 बजे एंट्री हो जाती है। और यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा 5 नंबर गेट, एएससी सेंट्रल कॉलेज, ईजीपुरा सिग्नल, बेंगलुरु, कर्नाटका में। तो आप अपना मेल चेक करते रहे और अपने डाके संपर्क बनाए। जैसे ही आपके एडमिट का ये डेट टेस्ट ख़त्म हो गए उसके बाद आपका सीधा रिटर्न एग्ज़ाम की कॉल आ जाएगी 1-2 महीने के अंदर। तो इसका पिछले साल का पेपर कैसा आया था मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे 25-25 के सेक्शन में आते हैं पेपर, 150 नंबर का। तो मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ वो। तो ये कुछ इस हिसाब से आपके पेपर रहने वाला है। ये मैथ का सेक्शन है, 25 क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर का होगा और टोटल मार्क 25 होंगे। आप ये देख सकते हैं मैथ का, आप अपने आप सोल्व कर सकते हो। ये पेपर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। और इससे संबंधित एएससी से ड्राइविंग टेस्ट से संबंधित भी मैंने वीडियो बना रखी है, किस प्रकार से ड्राइविंग टेस्ट होगा, किस प्रकार से आपको क्वालिफाई करना है, क्योंकि मैं खुद भी दे चुका हूँ और उससे पहले भी हमें पता है कि किस प्रकार से इन्होंने पूरी भर्ती हमने देखी हुई है 3-4 साल की लगातार की। तो ये आप मैथ का सेक्शन है, देख सकते हो, आप सोल्व कर सकते हो। धीरे धीरे मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ। ये अलग अलग क्वेश्चन है, आप सोल्व करके देख सकते हो। पूरा पेपर है हमारे पास, ये तो ये आपको उसमें टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके, अगर आपको कोई क्वेश्चन पे किसी प्रकार के कोई डाउट है या पूछना है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहने वाले हैं, निम्न का योगफल होगा। तो आप इस प्रकार से देख के इनको सोल्व कर सकते हो, अपनी तैयारी का जायजा ले सकते हो। वीडियो आप पॉज कर करके इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। मैं धीरे धीरे ऊपर लेके जा रहा हूँ, आप ये क्वेश्चन देख के अपनी तैयारी को आंक सकते हो। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, पूरा पेपर हमारे पास है। ये रीजनिंग के सवाल आ गए, आप देख सकते हो, 84 नंबर क्वेश्चन, 86। ये आप देख सकते हो रीजनिंग के सवाल आपके। C76, यदि डील को एफ डिसीजन कहा जाता है तो लीडर को कैसे लिखा जाएगा। यदि हरे का अर्थ पीला, पीले का अर्थ सफेद, सफेद का अर्थ लाल, लाल का अर्थ बैंगनी, बैंगनी का अर्थ काला, तो मिले गए में कौन से मानव रक्त का रंग होगा। तो लाल का रंग अर्थ कौन सा बताया था इन्होंने, लाल का अर्थ होता है बैंगनी। आपको एक तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप यहाँ पे सोल्व कर सकते हो। जैसे कुर्सी फर्नीचर है तो जूता क्या है, फुटवेयर, चमड़ा, कॉबलर, मोची, तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपका फुटवेयर आएंगे जूते। उस विकल्प का चुने जो दूसरों से अलग है, कागज, कलम, पेंसिल, स्टेशनरी। कागज, कलम, पेंसिल, लेखन सामग्री, तो आपका स्टेशनरी हो जाएगा। ये आपका एनोलॉजी का सवाल आ गया। नेक्स्ट आपसे फिर
मैथ के क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस के। आप इनको सॉल्व जरूर करके देखें तभी आपकी तैयारी ठीक रहेगी। जैसे जैसे आप इनको सॉल्व करते जाएंगे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती चले जाएगी। वहाँ पे ऑफलाइन पेपर होता है ये, और वहाँ पे अपना क्लिप बोर्ड जरूर लेके जाए साथ में, एग्ज़ाम देने का क्लिप बोर्ड अपने से साथ लेके जाए। मिरर का सवाल ये, और वहाँ पे पहुँचने के लिए आपको बेंगलोर जंक्शन जो आपका कैंट एरिया होता है वहाँ पे उतरना पड़ेगा। वहाँ से आपको ऑटो मिल जाएंगे और आराम से वहाँ पे पहुँच सकते हैं। जैसे आपके एडमिट कार्ड आएंगे रिटर्न के आपको सूचित कर दिया जाएगा। ये आप क्वेश्चन देख सकते हो, उस आकृति का चयन करो जो आपके यहाँ पे प्रश्न आकृति में है। ये आपके जीके के सवाल आ गए। जीके के सवाल 50 क्वेश्चन आते हैं जीके के, जो कि आपके 50 नंबर के होते हैं। रीजनिंग और मैथ के 25-25 आते हैं, 25-25, 50-50 जीके के, और आपके बच गए फिर हिंदी और इंग्लिश के 25-25 क्वेश्चन। 150 नंबर का हुआ पेपर हो गया। ये देखो कितने इजी सवाल आते हैं यहाँ पे जीके के। तो आप अगर बेसिक जीडी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपका ये एग्ज़ाम आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। ड्राइविंग टेस्ट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कहाँ सीखनी है, कैसे सीखनी है, किस प्रकार चला लिए, उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना चुका है। डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आपको और सभी कैंडिडेट मिल जाएंगे। वहाँ पर आप बातचीत करके आपस में अपनी तैयारी को और पुख्ता कर सकते हैं। ITBP ड्राइवर के ऊपर भी जल्द ही वीडियो आएगी। इसके अलावा काफ़ी वीडियो मैंने पहले भी बना रखी है ITBP की, आप वो चैनल प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पिछले साल सॉरी उससे जो पहले की भर्ती हुई थी, जो अभी 2020 के अंदर भर्ती हुई थी ITBP ड्राइवर की, उसके बाद अभी भर्ती आ रही है तीसरी भर्ती। उससे पहले की जो भर्ती है उसका फिजिकल कम्प्लीट होके रखा हुआ है। नई भर्ती भी आ चुकी है इसकी आपकी, जिसके फॉर्म भरे गए हैं अभी। तो दो भर्ती अभी ITBP प्रक्रिया में है। ये आपकी ASC का पेपर है, ITBP का बिल्कुल इजी पेपर आता है, आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। कंपटीशन आप जो ठीक ठाक रहेगा क्योंकि काफ़ी बच्चे ड्राइविंग लाइन में आ गए हैं। GK के क्वेश्चन ये आप फिर से देख सकते हो। भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है, इस प्रकार से आपको बेसिक GK क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, अच्छी जॉब है ASC की। इसमें आपको अलग अलग यूनिट्स में भेजा जाता है, चाहे आपको मीसामारी हो, पठानकोट हो, आपको मनाली हो, और इसके अलावा नॉर्थ और साउथ में भी आपको रखा जाता है। तो आपको वहाँ पे अलाउंस मिलते हैं अलग अलग प्रकार से सैलरी के। आपको इसके अंदर वर्दी खाकी वर्दी मिलती है, खाकी वर्दी मिलती है, आर्मी के कोट वगैरह पैटर्न वगैरह आपकी वहाँ पे चिता मिल जाती है आप वहाँ पे लेना चाहोगे तो। लेकिन आपको पहननी सिर्फ खाकी वर्दी है, जो आपकी ASC की वर्दी होगी अलग से। ये आप देख सकते हो अलग से क्वेश्चन GK के। कुंभार संभव की रचित कौन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, हड़प्पा शहर कालीमंगन कहाँ स्थित है। तो बिल्कुल ईजी पेपर है आपका, अगर आपने तैयारी की हुई है किसी भी एग्ज़ाम की रिटर्न की अच्छे से, तो आप आराम से इसको निकाल सकते हो। खरीफ का मौसम जून सितंबर, खरीफ कौन सी होती है, बाजरा आपका तिलहन कपास ही खरीफ की फसल में आ जाती है। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात, राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं। तो इस प्रकार से आपको बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं। जनसंख्या गणना कितनी बार की जाती है, 10 साल 20 साल आप बता सकते हैं। इसका उत्तर आएगा ये,
जीके के क्वेश्चन चल रहे हैं। ताजमहल किस पत्थर से बनाया था? बंगाल का प्राचीन नाम क्या है? रोलेट एक्ट किस सन में पारित हुआ था? तो ये आप क्वेश्चन सभी देख सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल भी पूछ लिया इन्होंने। तो ये आपका पेपर रहने वाला है आपका एएससी बैंगलोर का। कोई भी अगर किसी प्रकार का आपको क्वेश्चन पूछना है एएससी से संबंधित, तो आप ज़रूर क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको हर कमेंट का जवाब मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।